नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां जहानागंज थाना क्षेत्र के बझा पुलिया के पास आज तड़के बदमाशों के होने की सटीक जानकारी के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दी। कुछ ही देर बाद बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान फायरिंग में जहां एक बदमाश राम महोदय यादव के पैर में गोली लगी, वहीं सिपाही भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस संबंध में एसपी आजमगढ़ त्रिवेदी सिंह ने बताया कि फरार बदमाश 25,000 का इनामी था और इस पर लूट, छिनैती व चोरी के 11 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज थे। दो दिन पूर्व इसे एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। अचानक तेज बारिश के कारण अफरा तफरी के बीच यह मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। कई घंटों की मशक्कत के बाद ढूंढने में सफलता नहीं मिली थी, तब दरोगा दीवान व सिपाही को सस्पेंड किया गया था। तभी से पुलिस की चुनौती बढ़ गई और इसके पीछे पड़ी थी। अंत में पुलिस को सफलता मिली और इस मुठभेड़ में इसको पैर में गोली लगी है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, करीब 11 घटनाएं जो ये कबूल कर रहा है कि इसने 11 घटनाएं चोरी और लूट की है। इसको परसों गिरफ्तार करके पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। अदालत परिसर से ही ये हथकड़ी निकाल करके भाग गया था। हमने टीमें बनाई थी, टीमें कामिंग कर रही थी। आज ये पता चला कि ये इस एरिया में होने की संभावना है। हमारी टीमें जब जा रही थी, ये एक जगह छुपा हुआ था और जैसे इसने पुलिस को देखा, उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग पुलिस को भी करना पड़ा आत्मरक्षार्थ। उसमें हमारे एक पुलिस कांस्टेबल भी इंजर्ड हुआ है और इसको भी चोटें आई है, इसके घुटने पर चोट आई है, इसका इलाज चल रहा है यहाँ पर। सर, आफ्टर एस्केप फ्रॉम देयर, सर हाउ यू गेट द वेपन? सर, आफ्टर एस्केप फ्रॉम देयर, सर हाउ यू गेट द वेपन फ्रॉम? अब ये अभी पूछताछ चल रही है कि इसको वेपन कहाँ से मिल गया, लेकिन अभी ये स्वस्थ हो जाए फिर हम लोग इससे पूछते हैं कि ये वेपन। व्हाट इज सर फ्रेंड सर्कल? ये जहानागंज के, ये रामोद यादव है, जहानागंज एरिया का ही रहने वाला है। इनामी इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। फ्रेंड सर्कल इसका एक साथी जेल गया हुआ है। अभी कुछ और लोगों के नाम बताए हैं जो 11 घटनाएं हुई है, उसमें कुछ और भी बताए हैं कि इन्हें इनके साथ किया गया है। उस भी उनकी भी सरगर्मी से तलाश चल रही है। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।